मेरा नाम अमृत जैन है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में 96 रैंक हासिल की है। ये मेरा लगातार तीसरा सिलेक्शन था। इससे पहले 2018 में मैंने रिज़र्व लिस्ट में आईडीएस सर्विस ज्वाइन की। उसके बाद 2019 में मुझे 321वीं रैंक मिली और 2020 में मुझे 96 रैंक मिली। मैं आज कुछ अपने प्रिपरेशन के टिप्स आप सभी के साथ साझा करने यहाँ आया हूँ। टू स्टार्ट विथ, आई थिंक मैं पहले कुछ प्रिलिम्स प्रिपरेशन पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, प्रिलिम्स का हमारा जो पेपर है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है। अगर हम इस पेपर आज जो पेपर आता है, पिछले साल जो पेपर आया 2021 में, इस पेपर को अगर हम 2015-2016 के पेपर से कंपेयर करें तो ये बहुत ही एक डिफरेंट पेपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें जो स्टैटिक क्वेश्चंस पहले मिलते थे वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और एग्ज़ाम हॉल में हमें इस बात पे मजबूर होना पड़ता है कि हम दो ऑप्शंस में एक कॉल लें, और ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जो फैक्चुअल पेपर है या जो रैंडम क्वेश्चंस जो हम वहाँ फेस करते हैं, उसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, उसे कैसे टैकल करना चाहिए, मैं इस पर बात करना चाहूँगा थोड़ी। जस्ट फॉर अ कॉन्टेक्स्ट आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू कि मेरे पिछले 3-4 साल से प्रीलिम्स में जनरल कट ऑफ से 20-25 मार्क्स ऊपर ही आए हैं हमेशा। तो क्या ऐसा मैंने किया, वो जो मुझे लगता है कि मेरे लिए वर्क किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम कंटेंट पे बात करते हैं। तो कंटेंट प्रीलिम्स प्रिपरेशन का दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो स्टैटिक कंटेंट और एक करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक कंटेंट के लिए जो किताबें हैं वो उसकी बुक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे टॉपर्स ने बहुत जगह इस चीज़ को शेयर किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है। आप बेसिक एनसीईआरटीज वाली जो बुक लिस्ट है, जिसमें नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए थीम्स, आर्ट एंड कल्चर के लिए फ़ाइन आर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेम टू सेम है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। सेकेंडली, जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, दो न्यूज़पेपर, उनसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। या जो मैंने जो किया वो ये किया कि मैंने दो कोई भी करंट अफेयर की, कोई भी इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन जो है वो फॉलो कर ली। मैंने अपने इंस्टेंस में विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन और इनसाइट्स की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है वो फॉलो की थी। इससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उन शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज़ करते 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 और छोटा करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम डे से पहले या उससे एक हफ़्ते पहले आपके पास जो रिवीजन कंटेंट है वो बहुत कम हो जाए। जो सेकंड चीज़ जो आती है प्रीलिम्स प्रिपरेशन में और जो कंटेंट से भी ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। तो इस पे इसके 3-4 एस्पेक्ट्स हैं कि कौन से पेपर सॉल्व करें, कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, कितने पेपर लगाएं और किस तरह से लगाएं। सबसे पहले तो आप मार्केट में अवेलेबल प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए जो भी टेस्ट पेपर्स हैं उसमें से आप 3-4 अच्छे इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स को मिक्स कीजिए और एक शेड्यूल बनाइए। उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो आप पढ़ रहे हैं अभी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज पॉलिटी पढ़ा, तो कल उसका टेस्ट मत दीजिए, कल आप कुछ और टेस्ट दीजिए। आप अगर जो पढ़ रहे हैं और अगर वही टेस्ट देंगे तो मेरे हिसाब से आपका माइंड मेमोरी की तरह फंक्शन करने की एक आदत डाल लेता है। तो अभी के जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें मेमोरी की तरह से नहीं हमें फंक्शन करना है, हमारे माइंड को, हमें उसे एक प्रोसेसर की तरह फंक्शन करना है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व करें, कि जो आपको नहीं भी आता है, यू ट्राई टू मेक सर्टेन कनेक्शंस, यू ट्राई टू मेक सर्टेन गेसेस। तो इस तरह से जब आप रैंडम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे एक्चुअल एग्ज़ाम से भी पहले, तो फिर आपको जब वहाँ नए क्वेश्चंस दिखेंगे तो आपको इतनी कोई हिचक या हेजिटेंट आप नहीं होंगे उन्हें सॉल्व करने में। डीकेटी यूपीएससी सीएससी, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहां आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब इसके साथ ही मुझे लगता है कि अबाउट 100-120 क्वेश्चन पेपर्स आप आज से भी अगर शुरू करते हैं तो प्रीलिम्स पेपर से पहले सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के बाद उसे उसका एनालिसिस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप एक एक क्वेश्चन पे देखिए जो सही हुआ वो क्यों सही हुआ और जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ। इसी के साथ आप एक प्रॉपर लॉग बनाइए जिसमें आप ये पूरी तरह से लिखते चले जा रहे हैं कि
किस पेपर में आपके कितने शॉर्ट शॉट सही हुए, कितने आपने जो गेस किए उसमें से सही हुए, कितने आपने जो गेस किए उसमें से गलत हुए, इसके साथ आपको ओवर द टाइम ये पता चलता चला जाएगा कि आप किस तरह के गेस हमेशा करते हैं जो हमेशा सही होते हैं और किस तरह के गेस आपके हमेशा गलत होते हैं। तो एक ओवर द टाइम इंट्यूशन डेवलप हो जाता है। जब इतना आप अपने अटेम्प्ट्स को, इतना आप अपने रिजल्ट्स को जब आप एनालाइज करेंगे तो ओवर द टाइम आपकी इंट्यूशन, आपकी गेस मेकिंग तो इम्प्रूव होगी ही, साथ में ही जो आप कंटेंट पढ़ रहे होंगे तो उसको भी आप उस तरह से पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं ये कंटेंट मेरे एलिमिनेशन में, मेरे प्रिलिम्स के क्वेश्चंस में, कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में यूज़ हो जाए। तो आई थिंक दिस सेकंड कंपोनेंट, दिस सेकंड पिलर ऑफ प्रिपरेशन फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर प्रिपरेशन एज ऑफ नाउ। थर्डली आई थिंक प्रिलिम्स की प्रिपरेशन में अब थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया कि माइंड को आप एज अ मेमोरी किसी भी क्वेश्चन को देख के फंक्शन ना कीजिए। आप जैसे ही कोई क्वेश्चन देखें आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि याद करने की कि मैंने कहाँ पढ़ा था। जैसे ही हम ये कोशिश करते हैं कि मैंने ये कहाँ पढ़ा था और अगर वो हमें अपनी मेमोरी में नहीं नज़र आता तो हम थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं और या तो हम वो क्वेश्चन छोड़ते हैं या उसे गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बिठाएं अपने माइंड में। उसके लिए आपको अभी से अपने माइंड को वो हैबिट में डालना होगा। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं और बोलना चाहूँगा कंटेंट में, वो ये है कि कुछ थीम्स ऐसी हैं प्रिलिम्स में जो हमेशा रिपीट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी का जो कंटेंट है, पॉलिटी का कंटेंट आज भी, मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट आज भी, आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट आज भी जो है वो उतना ही रिलेवेंट है। उसमें से सवाल यूपीएससी आज भी पूछती है। तो यू हैव टू बी थरो विद दैट दोज टॉपिक्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट में मैं अगर बात करूँ तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो गई, तो ये सभी चीज़ों को आप अलग से नोट बना के, अलग से याद करके इन्हें कभी भी मिस ना कीजिए, क्योंकि ये इजीली आपके 5 से 10 क्वेश्चन जो है वहाँ पे बहुत इजीली सही करवा सकती है। तो प्रीलिम्स प्रिपरेशन में आई थिंक इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।